सो हेलो फ्रेंड्स, एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, यदि आप स्टूडेंट है और घर बैठे पैसे कमाने की सोच रहे हैं, लेकिन आपके पास कोई भी ऐसा मेथड नहीं है और यदि आप यह ढूंढना चाहते हैं और ढूंढ भी रहे हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप ऐसा ही एक नया मेथड बताया गया है, जिसका इस्तेमाल करके आप इजली जो है महीने का 10 से 20,000 रुपए जो है बहुत ही आसानी से अर्न कर सकते हैं। इस वीडियो में आपको उसके बारे में पूरा स्टेप बाय स्टेप इंफॉर्मेशन दिया गया है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो लेट्स बिगन नाउ। यदि आप चैनल पे पहली बार आ रहे हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए समझते हैं कि कौन सा वह नया तरीका है। तो उस तरीका का नाम है, यानी कि उस मेथड का नाम है एफिलिएट मार्केटिंग। जी हाँ दोस्त, आप एफिलिएट मार्केटिंग करके आप महीने का जो है इजिली जो है 10 से 20,000 या फिर आप इससे भी अधिक अर्न कर सकते हैं। तो एफिलिएट मार्केटिंग होता क्या है, आइए उसे समझते हैं। इसको समझना काफी सिंपल है। इसमें जो है आपका एक भी रुपया इन्वेस्ट नहीं होता है, यानी कि इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इसमें जो है जीरो इन्वेस्टमेंट लगता है। यानी कि इसमें आपको एक भी पैसे नहीं देने होते हैं। बस आपको इस बिजनेस को जैसे ही आप शुरू करते हैं, तो आप फर्स्ट डे से ही इसमें अर्निंग आपका शुरू हो जाता है। तो आइए इसे काफ़ी अच्छे से समझते हैं कि एफिलिएट मार्केट होता क्या है। इसमें जो है आपका कोई खुद का प्रोडक्ट नहीं होता है। बस सिंपल से समझे कि इसमें आपका कोई भी अपना प्रोडक्ट नहीं होता है, बस आपको किसी दूसरे का प्रोडक्ट जो है उसको प्रमोट करना है। उसको प्रमोट करके आपको किसी दूसरे व्यक्ति को सेल कराना है, और जैसे सेल कंप्लीट होगा तो आपको कुछ कमीशन मिल जाएंगी। इसे काफ़ी अच्छे से समझते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग अर्न मनी प्रोसेस। यानी कि एफिलिएट मार्केटिंग से पैसे को अर्न करने का प्रोसेस क्या होता है, आइए उसे समझते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें आपका कोई भी प्रोडक्ट नहीं होता है। मान लीजिए कि आपको एक बुक को सेल करना है, तो बुक जो है यह आपका प्रोडक्ट हो जाएगा। बुक क्या हो जाएगा, आपका प्रोडक्ट हो जाएगा। और इस बुक को सेल करना है तो आपको इसके बारे में किसी और पर्सन को बताना पड़ेगा, यानी कि आपको प्रचार करना पड़ेगा। तो इसके लिए आप सोशल मीडिया का सहारा ले सकते हैं, यानी कि इस बुक के बारे में, इसकी क्वालिटी के बारे में आप काफ़ी अच्छे से बताएं कि यह बुक कैसा है, आपको यह बुक पढ़ना चाहिए। ऐसे ही आपको फाइनेंस के क्षेत्र में यदि आप अधिक नॉलेज गेन करना चाहते हैं, पैसे के बारे में अपना सोच बदलना चाहते हैं, तो आपको रिच डैड पुअर डैड बुक जो है पढ़ना चाहिए। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो ऐसे ही आपको बुक को प्रमोट करना है। प्रमोट करने के बाद उस बुक को कोई भी पर्सन बाई करता है, बाई करने के बाद जो प्रोसेस है वह सेटलमेंट हो जाता है। तो इससे जो है जो भी पैसे बचेंगे, यानी कमीशन के थ्रू आपको कमीशन दे दिया जाएगा। इसका इस्तेमाल जो है आज YouTube चैनल पे लगभग सभी वैसे क्रिएटर जो है कर रहे हैं। चलिए इसको क्लीन करते हैं और उसको समझाते हैं। ऐसे भी आप भी ऐसे बहुत सारे चैनल को फॉलो करते होंगे और देखे होंगे, बहुत सारे ऐसे नया जो फोन लॉन्च होता है, यानी गैजेट लॉन्च होता है, जो भी नया मोबाइल लॉन्च होता है, उसके बारे में आपको यूट्यूब पर रिव्यू के रूप में बहुत सारे ऐसे वीडियोस मिल जाती हैं। यानी कि आपको यह फ़ोन क्यों खरीदना चाहिए, इसके बारे में आपको डिटेल बताया जाता है। और डिटेल देखने के बाद आपको वह फ़ोन जो है काफ़ी अच्छा लगने लगता है। उसके बाद से जो भी क्रिएटर होते हैं वह कहते हैं कि आप इस मोबाइल को बाई करना चाहते हैं, तो मेरे लिंक के थ्रू जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप उसे बाई करें। और जैसे ही आप उस लिंक से बाई करते हैं और आपको वह फ़ोन जो है डिलीवर कर दिया जाता है, तो जो भी उस फ़ोन का कमीशन बनता है वह आपको दे दिया जाता है। वह जो लिंक होता है वह एफिलिएट लिंक होता है, वह जनरेट किया गया लिंक रहता है। ऐसे बहुत सारी एप्लीकेशन है, प्लेटफॉर्म है, जिससे आप जुड़कर एफिलिएट मतलब उनका प्रोग्राम ज्वाइन करके आप किसी भी प्रोडक्ट को सेल करके आप इसको अर्न कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको आगे बताया जाएगा। तो चलिए उसी टॉपिक पे चलिए समझते हैं कि अब तो आप समझ गए कि एफिलिएट मार्केटिंग होता क्या है और पैसे कैसे अर्न किया जाता है। बस सिंपल सा है, किसी प्रोडक्ट को आपको प्रमोट करना है और कोई भी पर्सन बाई करते हैं और जो भी कमीशन बचता है वह आपको पैसे मिल जाते हैं। ऐसे जो भी LIC एजेंट होते हैं वह भी एफिलिएट प्रोग्राम बेस पे ही काम करते हैं। LIC जितने भी एजेंट होते हैं सभी एफिलिएट मार्केट के बेस पे ही काम करते हैं। मनी का प्रोसेस जो होता है यही सेम होता है, यानी कि वह जो है आपको अपना पॉलिसी बेचते हैं। उनका खुद का कोई प्रोडक्ट नहीं होता है, यह LIC कंपनी का होता है। वह पॉलिसी बेचते हैं और पॉलिसी को जितना बार आप रिन्यूअल कराते हैं,
रिन्यूअल कराने में जो भी आप पैसे पे करते हैं बस उसमें से उनका कमीशन जो है मिलते रहता है। तो इस तरह से जो है LIC एजेंट का पैसा अर्न होता है। अब समझते हैं कि कौन कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म है जिससे आप जुड़कर आप इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। इस बिजनेस में आपका लागत जो आता है, कॉस्ट आता है, इन्वेस्टमेंट जो आता है बिल्कुल जीरो आता है। तो लगभग जितने भी ई कॉमर्स कंपनियां होती हैं, एप्लीकेशन है, साइट है, आप उनसे जुड़कर एफिलिएट मार्केट शुरू कर सकते हैं। तो आइए समझते हैं कौन कौन से ऐसे कंपनी है। तो यहाँ पे जो है टॉप जो है 4 कंपनी को शामिल किया गया है। और भी ऐसे अधिक कंपनी है जो एफिलिएट मार्केटिंग करती हैं, यानी कि वह सर्विस देती हैं एफिलिएट मार्केट करने का। तो नंबर 1 जो है अमेज़न एफिलिएट है, यानी कि अमेज़न, इसका नाम तो आप सुने भी हैं और जानते भी हैं, और कई बार जो है अमेज़न से आप शॉपिंग किए भी हैं। तो अमेज़न से आप जुड़कर आप उनका एफिलिएट पार्टनर बनकर आप पैसे को अर्न कर सकते हैं। तो इसके लिए कुछ कैटेगरी भी होती है, कुछ एलिजिबिलिटी भी होती है, जिनको यदि आप पूरा करते हैं तो आप उनका पार्टनर बन सकते हैं। यदि आप अमेज़न से एफिलिएट पार्टनर बनना चाहते हैं, कैसे बनते हैं, क्या क्या प्रोसेस होता है, यदि आप वो सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो पे आपको 100 लाइक करना पड़ेगा। जैसे इस वीडियो पे 100 लाइक कंप्लीट होंगे, मैं अमेज़न एफिलिएट कैसे आप उसमें ज्वाइंट हो सकते हैं और पैसे फर्स्ट डे से ही आप अर्न करना शुरू कर देंगे तो मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो इसमें आपका प्रश्न होगा कि यदि कोई मेरे लिंक से परचेज करता है तो क्या उसको पैसे अधिक देने पड़ेंगे? तो नहीं, उसको पैसे जो है बिल्कुल अधिक नहीं देने पड़ेंगे। यदि आपका फ्रेंड जो है अमेज़न एप्लीकेशन से कोई भी प्रोडक्ट जो है डायरेक्ट बाई करेगा तो इसमें जो है आपको कमीशन नहीं मिलेगा। जी हाँ दोस्त, डायरेक्ट कोई भी, यदि आप भी डायरेक्ट कोई प्रोडक्ट बाई करते हैं अमेज़न से तो उसको आपको कमीशन रिसीव नहीं होगा। और बस जो है आप अपना एफिलिएट प्रोग्राम यानी लिंक के थ्रू जो है उस प्रोडक्ट को बाई करेंगे, तो मान लीजिए कि उस प्रोडक्ट का 100 रुपया है, ठीक है, तो बाई करेंगे तो आपको भी डायरेक्ट करेंगे तो ही 100 रुपया पे करना है, और एफिलिएट लिंक के थ्रू भी बाई करेंगे तो आपको 100 रुपया ही पे करना पड़ेगा। तो एफिलिएट लिंक से यदि आप पे करते हैं तो इसमें आपको कमीशन मिलेगा। तो इसमें कमीशन जो है आपको प्रतिशत में मिलता है, तो कभी 2% किसी प्रोडक्ट पे, 5% किसी प्रोडक्ट पे, 10% आता है। मान लीजिए कि कोई प्रोडक्ट जो है 10,000 रुपये का है, कोई प्रोडक्ट 10,000 रुपये का है और उस पर आप उसको सेल कराते हैं तो 10% आपको कमीशन मिलता है। आप एक प्रोडक्ट को सेल कराते हैं तो आपको 1,000 रुपये मिलेंगे। और ऐसे ही आप जो है, और यहाँ पे जो है 10 प्रोडक्ट सेल करा देते हैं तो आपका पैसा जो है 10,000 मिल जाएगा, और जितना अधिक सेल कराएंगे उतना अधिक आपका कमीशन मिल जाएगा। तो इसमें काफ़ी स्कोप है, इसको आप ट्राई ज़रूर करें। और ऐसे ही आपको फ्लिपकार्ट एफिलिएट है, फ्लिपकार्ट भी एफिलिएट मार्केट का सर्विस देता है। तीसरा होता है मेक माई ट्रिप एफिलिएट, यानी किसी पर्सन को जो है काफ़ी ट्रेवलिंग का शौक है, घूमने का शौक है, ठीक है, तो यदि आप डायरेक्ट जो है रेलवे का IRCTC एप्लीकेशन से कोई भी टिकट आप काटते हैं तो आपको पैसे नहीं मिलेंगे। यदि आप मेक माई ट्रिप एफिलिएट उसका प्रोग्राम ज्वाइन किए हैं और उसके थ्रू जो है आप रेलवे का टिकट देते हैं, एयर का टिकट देते हैं, बस का टिकट देते हैं, या जो कुछ भी आप बुक करते हैं, होटल बुक करते हैं, जो भी बुक करते हैं, तो उसके बदले में आपको कमीशन मिलेगा। और यहाँ पे चौथा है ईबे। ईबे जो है ऐसा ही सर्विस देता है। आई होप कि आपको इस वीडियो में काफ़ी नॉलेज मिला होगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपका कोई प्रश्न हो तो नीचे कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।